हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो सुबह मैंने एक अपना व्लॉग एंड किया था और उसी दिन से मैं अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ी देर के बाद ही। तो अगर आप लोग मुझे पहली बार वॉच कर रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि अभी हम लोग दिल्ली रहते थे, दिल्ली से हम लोग शिफ्ट किए हैं, तो अभी हम लोग ग्वालियर एमपी में आ गए हैं। तो ये हमारा न्यू वाला घर है। और अगर आपने न्यू वाले घर का होम टूर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही थी आपको बता देती हूँ। मैं कुछ चीज़ें ढूँढ रही हूँ, याद से डाल दिया था कि मुझे पता था कि इसमें मैंने ये चीज़ डाला है। इतना तो पता है कि बैग में ही रखा हुआ है, बट ये ध्यान नहीं है कि मैंने ब्लैक वाले बैग में डाला या रेड वाले में डाला या अपने हैंड बैग में डाला है। तो यहाँ पे कुछ मैं ट्राईपॉड से रिलेटेड कुछ चीज़ें ढूंढ रही हूँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें ढूंढ रही हूँ। और यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं जो कि मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो लवली और प्राची आए हुए हैं। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा लवली प्राची कौन है। और बच्चे हेल्प ना भी करें ना, फिर भी बच्चों के होने से ना मतलब ऐसा लगता है, मतलब काम करने में मन लगने लग जाता है ना। थोड़ी थोड़ी हम बातें करते रहते हैं। तो ये देखिए बाहर रखी हुई है बड़ी वाली गाड़ी और इसकी एंट्री हो गई थी। इन्होंने बातचीत करके करवा ली है एंट्री। पुलिस वालों से थोड़ा बात करना पड़ा था। वैसे पुलिस वाले ना रोक देते हैं इसको, मतलब दिन में एंट्री नहीं करते हैं बड़ी गाड़ियों की, लेकिन हम लोगों ने करवा लिया था क्योंकि इसमें घर का सामान है और हम लोग परेशान हो जाते ना इसलिए। तो बस आप देख सकते हैं कि यहाँ से सामान जो है वो उतर रहा है, गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे और सारा सामान निकल रहा है धीरे धीरे करके। ये भैया लोग कर रहे हैं अभी मेहनत। थोड़ी सी गर्मी हो गई, जल्दी करना था लेकिन वो गाड़ी थोड़ा सा लेट एंट्री हुई गाड़ी की भी, और इसलिए छोटा छोटा सामान दे। हाँ छोटा सामान रखो वहीं पे। वन टू थ्री आ जाओ। हाय गाइस, अभी गुड इवनिंग बोलूंगी मैं आप सभी को। 5 बजने वाले हैं। तो सुबह अपना एक ब्लॉग मैंने एंड किया था, उसके बाद में मधु के घर चली गई थी, खाना खाया हम लोगों ने वहाँ पे। तो खाना अभी एक दो दिन हम लोग वहीं खाएंगे क्योंकि अभी यहाँ पे हालत ख़राब है। सारा सामान जब तक सेट नहीं हो जाएगा तब तक कैसे यार कुछ भी। अभी सब कुछ ऐसे बिथला हुआ पड़ा है। और यहाँ पे प्राची भी आई हुई है, लवली भी आई हुई है। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, तो सामान कुछ ऐसा ही पड़ा है वहाँ। सारा सामान सॉरी कहाँ यहाँ सारा सामान ऐसे भर दिया गया है। किचन का सामान किचन में भर दिया है और आधा जा रहा है। फ्रिज अभी मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि किचन की और वो वाले रूम की, बालकनी वाले रूम की ना लाइट का पता नहीं क्या इशू है, लाइट नहीं आ रही है। दो रूम में तो आ रही है बट वहाँ नहीं आ रही, नहीं तीनों में आ रही है और उधर नहीं आ रही है। तो ये चल रहा है। और पौधे सारे वो रखे हुए हैं मैंने, सीढ़ियों पर रखवा दिए। सारे पौधे मेरे ख़राब हो गए हैं तो फिर से लगाऊंगी अब मैं आराम से। और कुछ यही सब कुछ चल रहा है, सब लोग सामान रख रहे हैं। पहले सबको सामान रख लेने दो, उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि मुझसे कौन सा सामान कहाँ रखना है, ठीक है? तो आप लोग हालत में मत जाना क्योंकि जब शिफ्टिंग होती है ना तो बहुत बुरी हालत होती है। ऐसा लगता है कि प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प, मेरी हेल्प के लिए आ जाओ। प्राची हेल्प के लिए आई है बट देखो क्यों। प्राची बोल रही है मामी वो वाला रूम मेरा है, क्योंकि अब प्राची शायद मेरे पास रहेगी। क्यों पक्का? कह नहीं सकती, फिसल भी सकती है। तो भैया उसने अपना रूम फाइनल कर लिया कि वो वाला रूम मेरा है। ठीक है भैया, वो रूम तुम्हारा है। तो फ्रीज़ अभी हॉल में रख दिया गया है जिससे यहाँ पे लाइट आ रही है तो सब लोगों को ठंडा पानी मिल सके। पानी के बिना ज़िंदगी है ही नहीं, ख़त्म ही है। तो सबको पानी चाहिए था। पानी का अरेंजमेंट मैंने अभी नीचे से किया है क्योंकि आर ओ फिट नहीं हुआ है इसलिए, और ठंडा होने के लिए मैंने फ्रीज में रख दिया है।
सबको पानी भी देती जा रही हूँ, और ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत वो करवा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं। और लवली भी आई है, मनीष है, आकाश नहीं है क्योंकि आकाश गया था अभी अपनी जॉब पर, वो भी आने ही वाला है थोड़ी देर में। तो जो भी कोई है अपडेट वो आपको देती रहूँगी, जैसे सामान सेट करूँगी सब कुछ दिखाऊँगी, बट अभी तो मैं बैठी हूँ, मेरी हालत ख़राब हो रही है, खाना खा लिया था हम लोगों ने, मैं दुबी यहाँ पे। ठीक है गाइस, 5 बज रहे हैं अभी, और देखते हैं कि कब तक फ्री होते हैं। जो भी कुछ रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, फ़ैन अभी एक लगवाया है, एक फ़ैन लगवाया है अभी बस, क्योंकि गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही थी। सामान यहाँ से आ रहा है, ये देखो अभी वॉशिंग मशीन आ रही है, अभी मैं यही देख रही हूँ कि कौन सी चीज़ आ रही है, कौन से रूम में लगवानी है, साथ ही साथ लगवाती भी जा रही हूँ। अभी मशीन आई है, लग दो अभी, मैं लग दूंगी। मशीन का तो पता नहीं है कहाँ रखेगी, चलो मिलते हैं आप थोड़ी देर। तो यहाँ पे जो बड़ा बड़ा सामान है, बेडरूम का सामान बेडरूम में आ गया है, लिविंग रूम का लिविंग रूम में, और पूजा वाले रूम का पूजा वाले रूम में, स्टडी रूम का स्टडी रूम में, सामान मैंने ऐसे रखवा दिया है बस, और इनको अब मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। जो हमने बबल पेपर वगैरह लगाए थे तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कोई भी स्क्रैच नहीं आया है और कोई भी नुकसान नहीं हुआ मेरे सामान का। तो हमने इस बार अपने हाथों से पैकिंग की थी, और बिलीव मी गाइस, इतने अच्छे से सामान आ गया, छोटा छोटा सामान बहुत अच्छे से आ गया, बड़ा सा बड़ा सामान बहुत अच्छे से आ गया। और पहले मैंने कर्स बुलवाए थे तो उन्होंने मेरे 2-3 सामान को नुकसान कर दिया था। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम जितनी केयर से अपना सामान रख सकते हैं ना, उतना केयर से कोई नहीं रख सकता, चाहे आप पैकर्स बुलवा लें। हाँ, थोड़ा सा आसान ज़रूर हो जाता है, लेकिन वो हर चीज़ को ना बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, जो कि उस कारण ना आपकी बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा सामान आ गया है, बड़ी वाली गाड़ी अभी रखी हुई है, वो रात में ही लेकर के जाएंगे ड्राइवर भैया। तो वो गाड़ी को रख करके अपने घर चले गए थे, क्योंकि वो ग्वालियर के ही रहने वाले थे, तो गाड़ी को वो रात में लेके जाएंगे। और यहाँ पे सारा सामान आ चुका है, ऊपर चढ़ गया है, तो बस यहाँ पे सब लोग थक चुके हैं, आकाश भी है, लवली है, और मेरे देवर जी भी हैं जो गांव से आए हुए हैं, हमारे साथ में ही गए थे दिल्ली। तो मैं सबको ठंडा दे रही हूँ, क्योंकि बेचारे बहुत थक गए हैं, मैं भी बहुत थक गई हूँ, तो चलो थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। मतलब ऐसे ही मार्केट वाला स्नैक्स है, पैकेट वगैरह मंगवा लिए, कुरकुरे चिप्स वगैरह ये सब कुछ, क्योंकि अभी तो गैस वगैरह कुछ भी मैंने चालू नहीं किया है, तो कुछ बना तो सकते नहीं हैं, और भूख प्यास सबको लगी थी, तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खा पी लेते हैं। और काम तो जो है ना अब स्टार्ट हुए हैं, अब चलते ही रहेंगे थोड़े थोड़े काम, तो एक बार लगने से तो देखो काम होते ही नहीं है ना, थक जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं, बैठ जाते हैं इस तरीके से। और सामान अभी प्रॉपर सेट नहीं होगा, मैं आपको बता दूँ, मुझे प्रॉपर सेट करने में 20 से 25 दिन लग जाएंगे, जब मैं आपको होम टूर दूँगी। तो अभी आपको होम टूर अभी तो नहीं मिलेगा, 1 महीने के बाद मैं आपको होम टूर देने की सोचूंगी, क्योंकि अभी सामान प्रॉपर मुझे सेट करना है, घर में काम करवाना है, जो कि धीरे धीरे मैं ब्लॉग में आपके साथ शेयर करती रहूंगी कि क्या क्या काम मैं अपने घर में करवा रही हूँ। ठीक है, जिसकी मुझे ज़रूरत है वो सारे काम मुझे करवाने हैं, तो वो तो आपको आगे आने वाले ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आगे के न्यू घर के न्यू ब्लॉग्स देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो फिर आप मेरे ब्लॉग को मिस कर देंगे ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बेडरूम थोड़ा सा सेट कर लिया है, और ये जो बड़ा सा कूलर आपको दिखाई दे रहा है ना, जो एसी की तरह हवा देता है, तो ये नीचे जो भाभी है उन्हीं का रखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि अंजलि अभी तुम इसको यूज़ कर लो, जब तक तुम्हारा जो एसी वगैरह है वो ऑन नहीं होता है, फ़ैन भी नहीं लगे आप देख सकते हैं, तो इसको आप यूज़ कर लो, तो इसलिए अभी हमने इसको निकाला नहीं है। तो कूलर को ऑन कर लिया है, बेड डल गया है, और बेड के ऊपर अभी हमने बेडशीट भी डाल दी है, और ये अलमीरा भी ऐसे रख दी है, बट समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसको रखनी है, बाद में देखेंगे। और फिलहाल तो यहाँ पे प्राची और मैं थोड़ा सा डल गए हैं, लेट गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे इस टाइम पे काम कर करके, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। लवली थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी, मैंने उसको बोल दिया था, और थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद, नहा धोने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं मधु के घर खाना खाने के लिए, क्योंकि घर पे अभी नए वाले घर पे तो कोई व्यवस्था नहीं है खाने की। तो अभी 1-2 दिन हम लोग दीदी के घर पे खाना खा रहे हैं, तो दाल बनाई है, टिंडे की सब्ज़ी है, चपाती है, और चावल है, ठीक है, और सैलेड है,
तो ये खाना है, चलिए खाना इंजॉय करते हैं। खाना बहुत ज़्यादा यम्मी था, मधु ने बनाया था गर्मा गर्म। और जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, नहा धो करके आते हो ना खाना खाने, तो यार बस पूछो मत, इतनी अच्छे से भूख लगती है और इतने अच्छे से नींद आती है खाना खाने के बाद। लेकिन घर पे जाके मुझे बहुत सारे काम करने हैं। चलिए वापस चलते हैं अपने न्यू वाले घर में। अभी मैं घर पे वापस आ गई हूँ और यहाँ पे ये जो फ़ैन है इनको क्लीन करना है मुझे, क्योंकि फ़ैन लगवाने हैं। तो वो वाले घर पे तो फ़ैन लगे हुए थे, तो हमने अपने वाले फ़ैनों को बेड के अंदर रख दिया था, निकाला नहीं था क्योंकि वहाँ पे लगे हुए थे। और अभी वहीं पे छोड़ करके आ गए हैं क्योंकि लैंडलॉर्ड के ही फ़ैन थे ना, इसलिए अब यहाँ पे हमको अपने फ़ैन लगाने हैं। और ये पॉलीथीन में सारे वूलन वाले कपड़े हैं, तो मैं ये रेड वाले बैग में वूलन वाले कपड़ों को शिफ्ट कर रही हूँ और इसको रख दूँगी बेड के अंदर। जब विंटर आएंगे तब इनका यूज़ होता है, तो तब मैं इनको निकाल दूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ दो ही कबर्ड हैं, एक मेरा बड़ा वाला और एक छोटा वाला, तो मैं उनमें अपने कपड़े रखूँगी, उनमें ये कपड़ों के लिए जगह नहीं है ना, इसलिए मैं इनको बेड में रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे लवली सारे कपड़े, वूलन वाली बेडशीट वगैरह, ये सारी चीज़ें निकाल के दे रही है। मैं अच्छे से उनको फोल्ड करके फिर से और रखती जा रही हूँ। तो ये जो सूट मैंने अभी पहना हुआ है, इस सूट के लिए कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, और इससे पहले जो रेड कलर का सूट मैं पहन करके आई थी उसके लिए भी कमेंट किए थे। तो मैं आपको बता दूं गाइस, दोनों ही सूट बहुत अच्छे हैं। अभी आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं इन्हीं सूटों को पहन रही हूँ, क्योंकि मेरे सारे कपड़े पैक हैं और यही निकले हुए थे, तो मैं इनको ही पहन रही हूँ। और ये बहुत कम्फर्टेबल हैं, कॉटन के हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे पहनने में, कंफर्टेबल फील करती हूँ इनको पहनना, इसलिए मैं इनको अभी डेली पहन रही हूँ। और ये वाला जो ब्लू वाला भी मैंने सूट पहन रखा है, ये बहुत अच्छा, दिखने में भी बहुत अच्छा है, कॉटन का है। और इनका कलर आप देख सकते हो, कोई फैट वैट नहीं हुआ है, डेली धुल रहे हैं, डेली पहन रहे हैं, बिना प्रेस के ही पहन रही हूँ अभी मैं, क्योंकि प्रेस व्रेस करने का तो टाइम है ही नहीं। तो ये जो सूट है ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे, तो इसका लिंक मांग रहे थे, तो मैं कोशिश करूँगी आपको देने की। और रिव्यू अगर आप इसका मांगते हैं तो मैं मतलब बहुत अच्छा बोलूँगी इनको, सूटों को मैं अच्छे से पहन रही हूँ। रेड वाला भी सूट बहुत अच्छा है, बट वो थोड़ा सा फैंसी दिखाई देता है, तो उसको मैं डेली में तो नहीं पहनती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल पहन रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए। लेकिन सूट वो भी बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन है, और उसका भी प्रिंट वगैरह जो है ना बिल्कुल भी नहीं निकला है। तो ये जो स्टोरेज बॉक्स आप देख सकते हैं 5 लेयर का है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, आपको बताया भी था, बट मैंने खोल के नहीं बताया था, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं खोला था, इसको खोलेंगे फिर मैं बंद करूँगी, तो ये मैं दीदी के घर पर ही रखा रहने दिया था। मैंने सोचा था जब मैं न्यू वाले घर में आ जाऊँगी तब मैं उनके यहाँ से लेकर के आऊँगी, तो मैं अभी खाना खाने गई थी ना, तो वहाँ से लेकर के आई हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास कोई फर्नीचर नहीं है ना, तो मैं मेकअप अपना कहाँ पे रखूँ। ये मैंने मेकअप के लिए, अपने स्किन केयर के लिए ही ऑर्डर किया हुआ था, पहले ही मैंने सोच लिया था कि मुझे ऐसा कोई बॉक्स चाहिए। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसका जो प्लास्टिक है वो भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। और ये शायद जॉकी का है, शायद, मैं इसका लिंक देने की कोशिश करूँगी आपको। बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैंने एक और मंगवाया था जो कि वाइट कलर का है, जो मैंने दिल्ली में आपको दिखा चुकी हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। तो मेरे रेंटेड वाले घर में ये दोनों बॉक्स मुझे बहुत बहुत ज़्यादा काम में आ रहे हैं। मैं इसमें मेकअप, अपना स्किन केयर और भी सब बहुत सारी चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह रखूँगी। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग बॉक्स में, ठीक है। और कलर भी आप देख सकते हैं कितने प्यारे कलर हैं, है ना, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है गाइस, सच में। तो आप इसको बाय कर सकते हैं, मैंने तो अपने रेंटेड घर के लिए इनको लिया है। आप इनको स्टडी रूम में, बच्चों के लिए अपने बेडरूम में या किचन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी है। और ये जो वाइट वाला है ना, ये बहुत ही कम स्पेस लेता है, बहुत हल्का फुल्का सा है, और बहुत सारा सामान स्टोर आप इसमें कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये सारे हैंगर वगैरह मैं निकाल रही हूँ, तो बस इनको मैं इनकी जगह पर रखने के लिए जाऊँगी। और इन्होंने दोनों बॉक्स रेडी कर दिए हैं, लवली ने और इन्होंने मिल करके,
तो जो काम होता जा रहा है साथ ही साथ हम करते जा रहे हैं, बात का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने बॉक्स खोले हुए हैं जिनमें मैं मेकअप अपना ज्वेलरी वगैरह लग करके लेके आई थी, तो वो सब कुछ भी तो लगाना है ना, इसलिए मैंने सोचा कि इनको मैं सेट कर देती हूँ, इनके अंदर रख देती हूँ, फिर बाद में आपको जब फ्री हो जाऊँगी ना सब कामों से, फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से बॉक्स में क्या सामान रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलती रहेंगी गाइस, इसलिए कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी मेरे हर ब्लॉग की। तो बस यहाँ पे इतने सारे काम चल रहे हैं, अभी रात का टाइम हो गया है, लवली प्राची मेरे पास ही रुकेंगी। और फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना इंडियन यूट्यूबर शोलांजलि को। आज तक का रूटीन यही था, बस ये सब करने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, और फिर से मैंने एक बार शावर लिया, और फिर से एक बार कपड़े चेंज करने के बाद फिर से मैं सो जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे यार। अभी यही होने वाला है शिफ्टिंग में, तो बहुत परेशानी होती है। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग में नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।